आप सभी को मेरा नमस्कार और डेस्टिनी स्टार के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है सेवेंथ हाउस और रिलेशनशिप के ऊपर, कि हम सेवेंथ हाउस से कैसे देखें कि रिलेशनशिप हमारा कैसा रहे या रिलेशनशिप में हमें क्या चाहिए। हर इंसान का अलग अलग डिज़ायर होता है, हर किसी को अलग अलग इंसान चाहिए, रिलेशनशिप में अलग अलग टाइप का पार्टनर चाहिए। तो बेसिकली सेवेंथ हाउस से हम देखेंगे कि हमें क्या चाहिए रिलेशनशिप, और ये भी हमें उससे पता चलेगा कि जो है हमारा जो पार्टनर होगा उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे। तो सोचने वाली बात ये है कि सेवन्थ हाउस ये बताता है कि हम क्या सोचते हैं रिलेशनशिप को लेकर, और वही सेवन्थ हाउस ये भी बताता है कि हमको कैसा पार्टनर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो हम सोचते हैं वही मैनिफेस्ट होता है, इसलिए कहते हैं ना कि सोच हमेशा सही होनी चाहिए। तो सेवेंथ हाउस में जो साइन है प्लेनेट बैठे, क्योंकि बेसिकली सेवेंथ हाउस आपके रिलेशनशिप का है, तो सेवेंथ हाउस में जो साइन बैठे, जो प्लेनेट बैठे, या जो प्लेनेट बैठा है, प्लेनेट नहीं है तो सेवेंथ हाउस के लॉर्ड को देखें, उस प्लेनेट की जो कैरेक्टरिस्टिक होंगी वो बताएंगी कि आपका स्पाउस कैसा होगा। और वो प्लेनेट और सेवेंथ हाउस या सेवेंथ हाउस का लॉर्ड ये बताएगा कि आप क्या सोचते हैं रिलेशनशिप को, आपको कैसा पार्टनर चाहिए। तो हम अलग अलग प्लैनेट को डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल के साथ। इसके लिए आपको प्लैनेट की कैरेक्टरिस्टिक पता होंगी। जैसे देखिए यहाँ पे सेवेंथ हाउस में जो साइन आ रहा है एरीज, तो सेवेंथ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं, खाली, तो उसका जो लॉर्ड है मार्स, तो हम मार्स को देखें, तो सेवेंथ हाउस का लॉर्ड मार्स हो जाए या सेवेंथ हाउस में मार्स बैठे, वो इंसान जिसके चार्ट में होगा वो इंसान सोचेगा कि पार्टनर बहुत बोल्ड और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। वो इंसान सोचेगा पार्टनर बहुत बोल्ड और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। मार्स आपकी बॉडी को रिप्रेजेंट कर, फिजिक को, तो उसको लगेगा पार्टनर फिजिकली अट्रैक्टिव होना चाहिए। इसीलिए आप अक्सर देखेंगे मार्स सेवंथ हाउस में हो, सेवंथ का लॉर्ड हो, ऐसे लोगों के पार्टनर बाई फेस और लुक वाइज अच्छे नहीं होते बट फिजिक बहुत अच्छी होती। जैसे फीमेल का चार्ट है, मार्स सेवेंथ हाउस में है, सेवेंथ का लॉर्ड है, तो पार्टनर बॉडी बिल्डिंग बिल्डर है, इस तरीके से जिम विम करता है। तो मार्स सेवेंथ हाउस में हो, सेवेंथ का लॉर्ड हो, तो जिसके चार्ट में होगा वो इंसान सोचेगा पार्टनर ऐसा मिले बहुत बोल्ड कॉन्फिडेंट, फिजिक अच्छा हो देखने में, फिजिकली स्ट्रांग हो, और ऐसा इंसान बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होता है और एग्रेसिव होता है रिलेशनशिप में, हमेशा वो इनसिक्योर फील करता है कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, ओवर पजेसिव होते हैं ऐसे लोग, और बहुत इंपल्सिव होते हैं, बहुत जल्दीबाजी में डिसीजन लेते हैं रिलेशनशिप, और हमेशा डोमिनेट करना चाहते हैं। मार्स सेवेंथ हाउस में और सेवेंथ का लॉर्ड हो, ऐसा इंसान सोचेगा चले तो हमारी चले वरना किसी की, डोमिनेटिंग नेचर होता है। इनसिक्योर क्यों होते हैं? क्योंकि मार्स सिक्योरिटी का कारक, तो सिक्योरिटी की जरूरत कहाँ पड़ती है, जहां कुछ खतरा होता है, तो इसीलिए लोग हमेशा इनसिक्योर होते हैं। तो ये इस इंसान का थॉट होगा रिलेशनशिप को लेकर, ये क्या सोचता है। तो इनको जो पार्टनर मिलेगा उसमें भी कहीं ना कहीं यही क्वालिटीज होंगी। दूसरा देखते हैं, जैसे इस चार्ट में आते, यहाँ पे सेवेंथ हाउस में सैटर्न है और सन, और सेवेंथ हाउस का लॉर्ड भी सैटर्न, इनको दोनों क्वालिटीज चाहिए। अभी ये इंसान क्या, सैटर्न है तो ये इंसान बहुत डेडिकेटेड हो, बूढ़े लोगों को रिप्रेजेंट करता है, तो इस इंसान को लगता है कि पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो मैच्योर हो, मैच्योर मतलब या तो एज से बड़ा हो या थॉट प्रोसेस वाइज बहुत समझदार हो, उसके विचार ऐसे। और सैटर्न कोल्ड है, ठंडा, तो ये इंसान कभी भी इमोशनल एक्सप्रेस नहीं करेगा, इमोशनली खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा रिलेशन। दूसरा सन बैठा है, तो ये चाहेगा पार्टनर बोल्ड और कॉन्फिडेंट होना चाहिए, रॉयल फैमिली से आए, हाई स्टेटस वाला, तो इनको पार्टनर भी इसी तरीके का मिलेगा, कॉन्फिडेंट भी हो सकता है, सैटर्न है तो कभी एक्सप्रेस नहीं करेगा, थोड़ा एज में बड़ा हो सकता है या मेच्योर थॉट वाला हो सकता है,
दो प्लेनेट है तो दो प्लेनेट की क्वालिटी यूज कीजिए, एक है तो एक। सैटर्न डिले का कारक है, ये इंसान खुद देर करता है मैरिज, अभी नहीं करेंगे और थोड़ा हो जाए। सैटर्न कैरियर का कारक, तो डिले इसलिए होता है, ये इंसान सोचता है पहले और कैरियर सेटल कर लें तब करेंगे, और थोड़ा कर लें, तो इस वजह से डिले होता है। जैसे यहाँ पे 7th हाउस में टॉरस है, उसका लॉर्ड वीनस, तो वीनस ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये इंसान सोचेगा पार्टनर ब्यूटीफुल होना चाहिए, वीनस पैसा है, लग्जरियस होना चाहिए। वीनस शुक्राचार्य को रिप्रेजेंट करता है, एक आंख से अंधे थे, तो ये इंसान कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में डिसीजन लेते हुए एक आंख से अंधे हो जाते, मतलब गलती कर देते हैं। तो इनका पार्टनर भी ऐसा ही, पार्टनर कहीं ना कहीं ब्यूटीफुल होगा, लुक्स वाइज मनी माइंडेड थोड़ा ज्यादा होगा, या पैसे वाला भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं। जैसे जुपिटर है, यहाँ पे 7th लॉर्ड जुपिटर है, पाइसीस है, जुपिटर टीचर को रिप्रेजेंट कर, टीचर कैसा होता है, तो ये इंसान चाहेगा उस इस इनके पार्टनर के अंदर गुरु वाली क्वालिटी हो, जो उनको गाइड करता है। जुपिटर टीचर है ज्ञान, तो ये इंसान चाहेगा पार्टनर समझदार हो, ज्ञानी। पर ऐसे लोग लुक्स पे ध्यान नहीं देते, कपड़े कैसे पहने हैं, लुक्स कैसा, इनको ज्ञान से मतलब। तो कई बार जुपिटर 7th हाउस में 7th का लॉर्ड बन जाए ना, तो ऐसे लोगों का, ऐसे लोगों के पार्टनर कंप्लेन भी करते हैं कि हम तो इतने अच्छे से तैयार होके आए, ये आए पर इतना अच्छा कपड़ा पहन के आए थे, ऐसा लुक था भाई, इन्होंने तारीफ ही नहीं। ऐसे लोगों का स्पाउस कंप्लेन करता है, क्यों? क्योंकि इस इंसान का लुक्स पे ध्यान ही नहीं होता, इनको ज्ञान और इससे मतलब, तो ज्ञान भू। और जुपिटर 7th हाउस वाला भी कभी भी अपनी फीलिंग और इमोशंस अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करता, और जुपिटर 7th हाउस में होगा तो ये इंसान अपने पार्टनर को बार बार समझाता रहेगा, टीचर की तरह, ये करो वैसा करो वैसा करो। और बहुत ब्रॉड माइंडेड होते हैं, भरोसा बहुत करते हैं, तो इनके पार्टनर में भी यही क्वालिटीज मिले जिसका जुपिटर 7th हाउस में हो, इनका पार्टनर भी इसी तरीके की क्वालिटी वाला हो। तो 7th हाउस में बैठे साइन या प्लेनेट से, 7th हाउस में जो प्लेनेट है उसका जो लॉर्ड है, उससे आप देख सकते हैं कि उस इंसान को कैसा रिलेशनशिप चाहिए, रिलेशनशिप में पार्टनर कैसा चाहिए, और कहीं ना कहीं पार्टनर में भी वही क्वालिटीज। जैसे केतु 7th हाउस, तो केतु 7th हाउस में होता है तो इंसान के नखरे बहुत होते हैं, चेकलिस्ट बहुत ज्यादा होती है, पार्टनर पैसे वाला भी होना चाहिए, कमाए भी, स्पिरिचुअल भी हो, सब कुछ हो, इतने ज्यादा नखरे होते हैं कि इनको अच्छे से अच्छा रिलेशन भी लाके दे दिया जाए ना, उसमें भी कुछ ना कुछ कमी निकाल दे। दूसरा केतु क्या है, इमेजिनेशन भी देता है, तो ऐसे लोग ख्याली पुलाव बहुत होते हैं, किसी को देख लेंगे बस मन ही मन सोच रहे, शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, वो ऐसा होगा ऐसा होगा, इसीलिए जब तक ऐसे लोगों का कई बार लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो जाता है, या जब तक ये अपने पार्टनर से दूर रहते हैं, दूर से बात हो रही सब हो रहा, तब तक तो सब अच्छा है, जैसे ही साथ रहने लगते हैं बस डिटैचमेंट चालू है। इनका पार्टनर भी ऐसे ही होगा, ओवर एनालिटिकल, इनकी तरह बाल की खाल उधेड़ने वाला, ये खुद तो रिलेशनशिप में बाल की खाल उधेड़ते ही हैं, कमियां निकालेंगे, इनका पार्टनर भी ऐसे ही होगा, पार्टनर भी कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि शुरू शुरू में ये इंसान बहुत अटैच होता है अपने पार्टनर से, और इनका पार्टनर भी इनसे बहुत अटैच होगा, बट थोड़े दिनों बाद डिटैचमेंट चालू हो जाता है, तो ये भी ऐसे ही होता है, पार्टनर भी ऐसे ही होगा, स्टार्टिंग में इनसे बहुत अटैच होगा बट कुछ ही टाइम बाद डिटैच। केतु डिससेटिस्फेक्शन होता है, तो ये इंसान बहुत डिससेटिस्फाई रहता है हमेशा रिलेशनशिप, संतुष्ट नहीं होता वो, इसी तरीके का इनका पार्टनर भी होगा। अब यहाँ पे लियो बैठा, उसका लॉर्ड सन है, सन वाली क्वालिटीज भी पार्टनर में, ये एक छोटा सा वीडियो था जो 7th हाउस से हम ये देख सकते हैं पार्टनर की क्वालिटी क्या होगी और हम क्या चाहते हैं कैसा पार्टनर चाहिए। इसके अलावा इसी में पूरा हमारा एक डिटेल वर्कशॉप आ रहा है 3.5 आवर्स का, इस संडे को, अपकमिंग संडे को, जो पूरा रिलेशनशिप पे ही बेस होगा, रिलेशनशिप और चाइल्ड बर्थ। ओके।
तो उसमें क्या करेंगे, हम डिटेल में कवर करेंगे कि आपके पार्टनर का बिहेवियर कैसे देखें, पार्टनर की कैरेक्टरिस्टिक कैसे देखें, पार्टनर किस डायरेक्शन से मिलेगा, पार्टनर का लोकेशन क्या होगा, मतलब किस जगह से आपको पार्टनर मिल सकता है, वो लोकेशन तक हम देख सकते हैं, डायरेक्शन नहीं लोकेशन और लोकेलिटी। डिले मैरिज के क्या योग होंगे, लव मैरिज के क्या योग होंगे, अरेंज मैरिज के क्या योग होंगे, डिवोर्स और मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट के क्या योग हो सकते हैं, इन लॉस से हमारे रिलेशन कैसे रहेंगे, हमारा मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, टाइमिंग कैसे करें मैरिज की, रिलेशनशिप की और डिवोर्स की टाइमिंग, रेमेडी क्या करें डिले मैरिज का, या मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, चाइल्ड बर्थ में डिले हो रहा है तो उसका क्या योग होगा, चाइल्ड बर्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका क्या योग होगा, टाइमिंग कैसे करें चाइल्ड बर्थ का, चाइल्ड बर्थ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके लिए रेमेडी कैसे करें, स्पाउस का प्रोफेशन कैसे देखें। तो रिलेशनशिप को पूरा हम कवर करेंगे डिटेल में, और चाइल्ड बर्थ को, इस 3 घंटे की वर्कशॉप जो हमारा इस संडे को आ रहा है, तो जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो हमारे नंबर 999-0369555, 999-0369555 इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके इसके रिगार्डिंग और भी इंक्वायरी ले सकते हैं, पेमेंट के रिगार्डिंग, इसके टाइमिंग के रिगार्डिंग। तो ये अपकमिंग संडे जो आने वाला है, ट्वेल्व मार्च को, जो संडे है 12 मार्च को, उस दिन हम ये करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वर्कशॉप को ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने को मिलेंगी। थैंक यू, नमस्ते।